और ये विशेष बल जो इस समय इस्लामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं, ये टुकड़ी पंजाब पुलिस कंटिंजेंट की है। कमान कर रहे हैं डीएसपी सुखविंदर सिंह गौरिया, जो दस्ता इस्लामी मंच के रगर सर है। बहुत ही आकर्षक अंदाज में दाहिने देख का आदेश दिया, ये आदेश दिया कंटिंजेंट कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट मनोज कुमार ने। सलामी मंच से सलूट देते हुए और उनके ठीक पीछे आज की परेड भी आई थी। सलामी मंच से गुजरते हुए रणदीप सिंह राणा और उसके ठीक पीछे फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का यह दस्ता मेजर टोकर्स की कमांड में। विशिष्ट शैली में दाहिने देख का आदेश दिया मेजर नितिन टोकर्स ने, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन। बहुत अच्छी खिलाड़ी, 17वें यौम जमहूरिया के इस पावन अवसर पर, राष्ट्रीय पर्व पर ये वीरांगनाएं कदम से कदम मिला करके सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई। तो गाइड के नाम से जाना जाता है, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की स्थापना। बहुत ही आकर्षक और जोश भरे अंदाज में दाहिने देख का आदेश दिया सीनियर अंडर ऑफिसर सचिन। हमारा पड़ोसी मुल्क लगातार इस राज्य की शांति और सद्भावना को बाधित करने के लिए आतंकवादियों की मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों की घुसपैठ करने की कोशिश बार बार होती रहती है। बार बार हो रहे युद्ध विराम उल्लंघनों ने सीमावर्ती लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। सरकार इन लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। दुर्गम क्षेत्रों, जलवायु और अन्य चुनौतियों के बावजूद सशस्त्र और सुरक्षा बल हमारी सीमाओं पर लगातार कड़ी निगरानी और सतर्कता बनाए रखते हैं। हमारे सशस्त्र और पुलिस बलों ने एक साल में सबसे बड़ी संख्या में आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए प्रभावी अभियान चलाए हैं। हमारे जवान राज्य में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। हम सेना और पुलिस के बहादुर जवानों को सलाम करते हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। देवियों और सज्जनों, जम्मू व कश्मीर चुनौतियों और अवसरों से भरे हुए एक बेहद महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। हमारे युवा आशा और आकांक्षाओं से भरे हुए हैं। वो एक ऐसे रास्ते की तलाश में हैं जो उनके जीवन में सफलता, संतुष्टि और खुशियां लाए। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे कुछ युवाओं, जिनमें कुछ पेशेवर शिक्षा हासिल कर रहे थे, उन्होंने हिंसावादी समूहों से प्रभावित होकर बंदूक उठाई। इससे विशेष रूप से घाटी में लोगों की कठिनाइयों और कष्टों में वृद्धि हुई है। ये हमारी धारणा है कि हिंसा और टकराव हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। बुजदिलाना तशद्दुद की वजह से कई कीमती और मासूम जाने गई हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारा दिल भर जाता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाना और शासन व्यवस्था में सुधार करना प्रशासन की प्राथमिकता रही है। हाल ही में जिस तरह लोगों ने पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, वो शांति और विकास के प्रति लोगों के यकीन को दर्शाता है। कड़ी चुनौतियों के बावजूद ये चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। चुनाव में बढ़ चढ़ कर भागीदारी के लिए मैं लोगों का शुक्रगुजार हूं। पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव के शांतिपूर्वक संपन्न होने के लिए मैं पूरे सिविल और पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूं। मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए
बकरवाल होस्टल रजौरी मिस्टर मोहम्मद सलीम की क्यादत में ये खूबसूरत मिस्टर फरहान डार की क्यादत में ये दस्ता खूबसूरत यूनिफॉर्म पहने हुए